एज यू नो फ्रॉम द टाइटल, ये एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्टी वीडियो है, तो अब हम टॉपिक को कॉन्कर करेंगे। साथ ही साथ आप बताना कौन से कॉमिक बुक्स आपने छुपाए हैं या सजाए हैं। ये वीडियो टोटली एक रेफरी के जैसा है, जिसका जैसा अचीवमेंट उसके उतने पॉइंट्स। स्टैनली, जेरी सीगल एंड बॉब केन को शत शत नमन करते हुए चलो खोलते हैं इतिहास का पिटारा। सो डीसी ने अपना करियर शुरू किया था इन 1934 एज नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस, जो 1977 में ऑफिशियली डीसी कॉमिक्स रीनेम हुआ, और मार्वल ने अपना करियर की शुरुआत की 1939 एज टाइमली कॉमिक्स पब्लिकेशंस, जो बाद में बनी एटलस कॉमिक्स इन 1951 एंड फाइनली बिकेम मार्वल कॉमिक्स इन 1960। डीसी ने कई सारे आइकॉनिक विलेंस बनाए हैं विद रिच बैक स्टोरीज, जिसकी वजह से वो अलग ही डार्क वाइब फील कराते हैं, जहाँ ग्रीक माइथोलॉजी का भी थोड़ा नमक छिड़का हुआ है, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल भी हुआ पहले जैसे बैड गाइस को वापस लाने के लिए। मार्वल ने बहुत सही तरीके से कॉमिक्स का अच्छा खासा एग्जांपल स्क्रीन पे शो किया, वो भी इतना इंटेंस डिटेलिंग के साथ जो इंटरकनेक्टेडनेस मेंटेन किए है, उसके लिए हैट्स ऑफ। लेकिन मुझे दुख होता है कि डीसी अभी फिर से उस लेवल पे आने के लिए रीस्टार्ट किया है। दिस ग्रेट कॉमिक्स हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। हालांकि मार्वल मूवीज चमकती हैं उन कैरेक्टर्स को लेकर जो भरोसेमंद और टूटे हुए हैं, लेकिन डीसी ने कई बार कैरेक्टर्स को आइकॉनिक और लार्जर देन लाइफ फिगर्स की तरफ पोर्ट्रे किया है। डीसी एंड मार्वल ने एनिमेटेड मूवीज, सीरीज और बाकी मीडिया एक्सटेंशंस में भी कवर किया है, लेकिन मार्वल ने इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग से बॉक्स ऑफिस को कई बार फोड़ा है। थोड़े लंबे ट्रैक से चले तो क्रिएशन ईयर मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा। फॉर डीसी इट वॉज 1934 एज नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस, फॉर मार्वल इट वॉज 1939 एज टाइमली कॉमिक्स। पॉपुलर हीरोज फॉर डीसी आर सुपरमैन, बैटमैन एंड वंडर वुमेन, और मार्वल में स्पाइडरमैन, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। यह नोटेबल पॉइंट है कि डीसी ने एटलीस्ट एक फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर को तो फेमस किया है, जो इमीडिएटली माइंड में आता है विद सुपरमैन एंड बैटमैन, बट मार्वल में ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया है एज सच। पॉपुलर टीम अप फॉर डीसी आर जस्टिस लीग, टीन टाइटंस, ग्रीन लैंटर्न, कॉप्स, वही मार्वल में द एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर। और यहाँ देखा जाए तो मार्वल ने अपने टीम्स को काफी पॉपुलर किया है देन डीसी। डीसी का टोन ऑलमोस्ट डार्क एंड काफी सीरियस रहता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट किया जाता है कि ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड लेवल की फील आ सके फॉर ईच एंड एवरी सुपर हीरो कैरेक्टर। और मार्वल में मिक्स ड्रामा और मजाक ज्यादा रहता है, जिसका जवाब ऑडियंस ऑलरेडी दे चुकी है। डीसी में इमेजिनरी सिटीज भी काफी पॉपुलर हुई हैं, विच आर गॉथम, मेट्रोपोलिस, थेमिस्किरा, सेंट्रल सिटी, एटलांटिस, लेकिन मार्वल में ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया है जो ऑडियंस इमेजिन कर सके विद द पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स। डीसी के फेमस विलन्स हैं द जोकर, लूथर, डार्क साइड, और मार्वल में डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, ग्रीन गॉब्लिन। ये भी नोटिस करने वाला पॉइंट है कि दोनों कंपनीज ने फीमेल विलन्स पे कोई खास अटेंशन नहीं दिया है। क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स डीसी में ऐसा की क्रॉसओवर है जो ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए आमने सामने खड़ा कर देते हैं, और उसमें मोर देन वन वेरिएंट भी होते हैं। मार्वल में आता है सीक्रेट वॉर्स, जो है की क्रॉसओवर, क्योंकि 1984 में सीक्रेट वॉर्स के 12 इश्यूज और बाकी मंथली कॉमिक्स भी ओवरलैप किए गए थे काफी नामी सुपर हीरोज को लेकर, ताकि एक बैटल ग्राउंड फाइट एंड नई टाइमलाइन बन सके नई यूनिवर्स के साथ, दैट वी गोना एक्सपीरियंस इन 2027। क्रॉसओवर वैसे भी नॉर्मलाइज कर दिया है, अगर कोई सिंगल कैरेक्टर सुपर हीरो मूवी भी होगी देन एक से भले दो मानकर पक्का रख लेना। डीसी के पास मल्टीवर्स है, और डीसी में ही पहली बार मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, उनके बाद मार्वल में मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन डीसीईयू को डुबकी लगाने के पहले डुबा दिया। वॉच दिस वीडियो फॉर अनदर डीप एनालिसिस। डीसी की लेगेसी पे नजर डाले तो मोस्टली सुपरमैन और बैटमैन पे फोकस किया, विच आर आइकॉनिक सुपर हीरोज इन पॉप कल्चर, एंड यहाँ पे मार्वल ने अच्छी फील्डिंग की है, जितना हो सका उतने अपने कैरेक्टर्स प्लस आइकॉनिक फिगर्स को यूज किया फॉर ऑल एस्पेक्ट्स। फीमेल सुपर हीरोज पे फोकस किया जाए देन वंडर वुमन एंड बैट गर्ल स्टैंड आउट करते हैं एज अ आइकॉनिक एंड्योरिंग कैरेक्टर्स इन डीसी। वंडर वुमन को लेकर एम्पावरमेंट और एकता के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं,
जिससे डीसी को अलग फायदा और पॉप कल्चर में भी जगह मिली थी एंड वंडर वुमन बन जाती है एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी। वहीं मार्वल में ब्लैक विडो और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स के साथ ग्राउंड रियलिटी पे फोकस ज्यादा करते हैं, जैसे कमजोरियाँ, पर्सनल लाइफ, सैक्रिफाइस। विलन्स को जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिया जाता है उस पे डिपेंड होता है सुपर हीरो कितना चमकते हुए बाहर आएगा। डीसी ने बहुत विलन्स पे फोकस किया है जिससे उनके कहानी के पन्नों में काफी डेप्थ नजर आता है। अगर हम कोई विलन की जोड़ी पे काउंट करें तो जोकर एंड हार्ले क्विन आई कैचिंग फिगर्स पॉप कल्चर में साबित होते हैं। मार्वल में विलन्स जैसे डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, ग्रीन गॉब्लिन ने अपनी दहशत मचाई है, लेकिन मार्वल में विलन्स को ज्यादातर बैटल ग्राउंड में फोकस्ड रखते हैं बजाय बैक स्टोरीज के। इसलिए मार्वल सुपर हीरोज के बाद विलन्स याद आते हैं और डीसी में इक्वली दोनों को साथ में देखते हैं एज देयर चॉइस। मार्वल जैसे ग्राउंडेड सुपर हीरोज बनाता है, वहीं डीसी के थोड़ा सा अलग कनेक्टिविटी फील होता है। जैक किर्बी एंड स्टैन ली मार्वल कैरेक्टर्स ऐसे बनाए हैं जिसमें कंसिस्टेंट फील, टोन एंड लुक्स खरे उतरते हैं। डेयर डेविल एंड एक्समैन जाने जाते हैं फॉर देयर रिलेटेबिलिटी, एक ऐसा सुपर हीरो जो ब्लाइंड होने के बाद भी लोग उसे अपने लिस्ट में जोड़ते हैं, और खास करके स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी में भी डेयर डेविल की पहुंच है। एक्समैन जैसे कैरेक्टर्स उस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं जो लोग उनसे डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं। That makes them feel like an outsider. किसी न किसी पॉइंट पे हम सब ने अनकंफर्टेबल एंड फेल्ट आउट महसूस किया है। एक्समैन कुछ ऐसा ही पिक्चर प्रेजेंट करता है। पीटर पार्कर से तो काफी लोग कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि पीटर के स्ट्रगलिंग लाइफ के बीचों बीच यूनिवर्स ने उसे एक और जिम्मेदारी दे दी अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीनेजर अर्निंग मनी, बैलेंसिंग हिज मूड एंड लाइफ विद अदर स्टफ। मार्वल एंड डीसी में एक बिलियनेयर कैरेक्टर दोनों कंपनीज को इंसाफ देता है आयरन मैन एंड बैटमैन के जरिए, जो टेक सुपर हीरोज के नाम पे हर जगह फेमस है। डीसी में मिथिक फिगर्स को एज अ कैटेगरी सुपर हीरोज में यूज किया है। सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न और बैटमैन फ्रॉम जस्टिस लीग प्रेजेंट करते हैं हीरोइज्म, जस्टिस और पावर आइडल्स। एनिमेटेड यूनिवर्स की तारीफें अगर करते हो देन डीसी के फेथफुल अडाप्टेशन कॉमिक स्टोरी लाइन के क्लासिकल डार्कर थीम शायद से आपको होल्ड कर सकता है। एक्चुअली मैंने एनिमेटेड यूनिवर्स को ऑलमोस्ट कवर किया है, सो आई लाइक इट। दूसरी तरफ अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशन या फिर इनोवेटिव ग्राफिक्स देखना पसंद करते हो देन मार्वल आपको डाइवर्स रेंज के साथ स्टोरी टेलिंग और अलग स्टाइल्स के प्रेजेंटेशन जरूर देगा एंड इट रेजोनेट्स टू। काफी फैंस मानते हैं कि डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स डार्कर टोन में ज्यादा घूमता है और मेजर थीम्स को आगे रखता है, जिसका रीजन है कि थोड़े ओल्डर ऑडियंस को अपील होता है। वेल आई टू प्रिफर दिस। मार्वल एनिमेटेड यूनिवर्स मार्वल कॉमिक बुक्स की कहानियों में ज्यादा चेंजेस ना करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इट होल्ड्स द स्पिरिट ऑफ कॉमिक बुक्स और उनके काउंटर पार्ट्स, जिससे ब्रॉड रेंज में हर जनरेशन के फैंस कनेक्ट हो सकते हैं। मार्वल के पास क्लियर एडवांटेज है बॉक्स ऑफिस हिट्स और ग्रॉस अर्निंग्स को लेकर, जिसमें कुछ मूवीज रिसेंटली उतना कमाई नहीं कर पाई, जैसे द मार्वल्स, ब्लैक विडो, Eternals और Ant-Man 4। DC के शुरुआत की मूवीज अच्छी जा रही थी, जैसे TDK ट्रिलॉजी, DCEU की मूवीज, लेकिन खराब मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स के चलते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गिरता चला गया, लेकिन Elseworlds की मूवीज पर वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दोनों कंपनीज ने अपना बेस्ट दिया है और देते आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमिक बुक्स फ्रेंचाइज एंड पब्लिकेशंस। इतना सारा कंटेंट बन चुका है कि इट मेरली फील्स लाइक एंडलेस, बिल्कुल अंतहीन, जो फैंस और फॉलोवर्स को मोर देन इनफ स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से दिखाता है। डीसी के टाइटल्स में यूज होता है एक्शन कॉमिक्स, डिटेक्टिव कॉमिक्स, जस्टिस लीग डार्क, जो बहुत बार यूज हुआ है। मार्वल में यूज होता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, द माइटी थॉर, द इनक्रेडिबल हल्क, एक्समैन, द एवेंजर्स, द इनविंसिबल आयरन मैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को एक्यूरेट दिखाने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े फॉर द मूवीज, और लंबे समय बाद उसका ओरिजिनल लुक देखने को मिला। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीसी कंसिस्टेंसी में अभी भी स्ट्रगल करते हुए एक और नया यूनिवर्स डिसाइड कर चुका है। वही मार्वल ने सिर्फ 16 साल में कितना कुछ कवर कर दिया है, जहाँ से मार्वल ने एक सेटिस्फाइंग स्टोरी लाइन फैंस को डिलीवर किया है। डीसी ने टीवी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा यूनिवर्स क्रिएट किया है थ्रू एरोवर्स,
जिसमें एरो, द फ्लैश, सुपरगर्ल एंड लेजेंड्स ऑफ टुमारो शेयर्ड यूनिवर्स में इंक्लूडेड है। और इसी टीवी यूनिवर्स में क्रॉसओवर इवेंट्स, डाइवर्स डीसी कैरेक्टर्स, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अच्छा खासा फैन बेस बनाया है। लेकिन मार्वल में एजेंट्स ऑफ शील्ड एंड डेयरडेविल लूजली कनेक्टेड है फ्रॉम एमसीयू। हाँ, पर एमसीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड लाइक वांडाविजन, मून नाइट और लोकी जैसे शोज ने मार्वल के लिए एक और टीवी यूनिवर्स या ओटीटी का दरवाजा खुलवा दिया है। एंड कीपिंग एवरीथिंग इंटैक्ट, मार्वल ने स्टूडियोस, एनिमेशन और टेलीविजन को अलग करके पहचान दे दी है। डीसी और मार्वल दोनों पॉपुलर हैं, लेकिन मेरे भाई और बहन जी, रेशियो भी उतना मैटर करता है। वजह मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा क्यों है। तो कंट्री वाइज फैन बेस परसेंटेज रेशियो देखें तो मार्वल इस टू डीसी 66:61 है और अब 85:65। ये सिर्फ चॉइस प्रेफरेंस है, पर पॉपुलर दोनों हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि फैन बेस का साइज विद टाइम और बाकी कारणों के चलते, इंक्लूडिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स, मीडिया अडैप्टेशंस, स्टोरी टेलिंग मिलाकर थोड़ा ज्यादा वेरी हो सकता है। हु इज ओल्डर, ये भी मैं बता चुका हूँ। डीसी इज ओल्डर एंड मार्वल इज 5 years यंगर देन डीसी। मार्वल कॉमिक्स एंड डीसी कॉमिक्स का लेवल ऑफ वायलेंस इन कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइंस के चलते, इंक्लूडिंग डायरेक्शंस, राइटर्स एंड आर्टिस्ट भी वेरी होता है। सिंस मार्वल एंड डीसी हैव शोन देयर माइंडसेट, तो यस, अकॉर्डिंग टू मूवीज, मार्वल में ज्यादा खून खराबा हुआ है। अगर डीसीईयू में कंसिस्टेंसी होती देन डिसाइड करना मुश्किल हो सकता था। बोथ मार्वल एंड डीसी ने अपना कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड स्केल पर दिया है और देते आ रहे हैं कॉमिक्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में विद ईच ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड अपील। बट ओवरऑल डीसी इज बेटर देन मार्वल, ये मेरा चयन है। आप अपना बताओ, क्योंकि डीसी कॉमिक बुक इंडस्ट्री में एक गहरा इतिहास रखता है विद पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सुपरहीरो जॉनरे, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एलन मोर, गार्थ एनिस एंड नील गेमन ने ऐसे पावरफुल और अमेजिंग कहानियां दी हैं जो मार्वल में अनकॉमन है। इसलिए डीसी ने अपने इनिशियल कैरेक्टर्स और पोस्ट कैरेक्टर्स को पॉप कल्चर के सिंबल्स ऑफ हीरोइज्म बना चुके हैं, जिसमें फैंस ने उन्हें बहुत मोटिवेट और सपोर्ट किया है। कैरेक्टर्स लाइक सुपरमैन, जेसन टॉड, बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन, हॉक गर्ल एंड बाकी कॉमिक्स पढ़ते हैं, फिर उनका लाइव एक्शन प्रेजेंटेशन चेकआउट करते हैं, जहां मार्वल ने ऑडियंस को अपने कॉमिक्स के तरफ भी मोड़ दिया है थ्रू लाइव एक्शन और अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ऑडियंस का भी मार्वल में अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हैं वर्ल्ड वाइड। इसलिए फैन बेस का साइज करंटली मार्वल के पल्ले में है। बट मेरा साथ हमेशा डीसी के साथ रहेगा, विच मीन्स आई होल्ड ऑल कैरेक्टर्स इन माई लिस्ट। बट मार्वल में सिर्फ घोस्ट राइडर, वुल्वरीन एंड हल्क। कमेंट योर थॉट्स, योर कंपनी चॉइस और कैरेक्टर बताना तो बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम कॉमिसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।